पृथ्वीपुर के विभिन्न ग्रामों में जिला कलेक्टर एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खेतों में पहुंचे पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव, फसलों का किया निरीक्षण। ओलावृष्टि से फसलों को हुआ भारी नुकसान, पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव ने जिला कलेक्टर के साथ लिया जायजा। पूर्व विधायक ने तेज हवाओं से क्षतिग्रस्त मकानों का भी जायजा लेकर सर्वे करने के निर्देश तहसीलदार नायब तहसीलदार को दिए। निवाड़ी में बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पृथ्वीपुर पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव रविवार को जिला कलेक्टर एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसानों के खेतों में पहुंचे। पूर्व विधायक ने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के सिया, सोरका, गर्रोली, गोरा, कछार, दुमदुमा, खिस्टोन, मौजीपुरा, टोरी, चिकटा, गैलवारा, नैखेरा वार्ड नंबर 13, बिंदपुरा, सकेरा, चौमो, गोवा ग्रामों का दौरा कर खेतों में जाकर तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेकर पूर्व विधायक ने मौके पर मौजूद राजस्व एवं कृषि अधिकारियों को तत्काल प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे करने के निर्देश दिए। सर्वे में पारदर्शिता बरती जाए, कोई भी प्रभावित किसान ग्रामीण सर्वे में छूटना नहीं चाहिए। पूर्व विधायक ने तेज हवाओं से क्षतिग्रस्त मकानों का भी जायजा लेकर सर्वे करने के निर्देश तहसीलदार नायब तहसीलदार को दिए। बारिश ओलावृष्टि से गेहूं, चना सहित अन्य फसलों को हुए नुकसान को देखकर उनको प्रभावित किसानों को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में वे और पूरी प्रदेश सरकार किसानों के साथ है। न्यूज जतारा चैनल से राजेंद्र नायक की। फसल नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है अपने जो है, पशुपाल डॉक्टर को अपने बताया अपने जो है, और गांव वालों सब अपने रो रहे हैं, है कि नहीं, बुरी तरह से रो रहे हैं, है कि नहीं। और फसल ऐसी बिगड़ गई कि बिल्कुल कोनो कर्म की नहीं बची, कोनो कर्म की फसल नहीं बची, है कि नहीं। डॉक्टर बोले हम ऊपर बात करेंगे, है कि नहीं, और तुमको अपने मिलेगा कुछ। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग चिंता ना करें, हम ऊपर बात करके आप लोगों को जो भी हमसे मदद बनेगी, जो सरकार से मदद बनेगी, वो आपको संपूर्ण मदद दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है हम सबको।